फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस बार अब से हम संडे को आपके लिए आउटडोर वीडियोस लाएंगे अलग अलग लोकेशन से, और आज मैं एक लोकेशन पे हूँ। इसका नाम है डाक पत्थर। इट इज़ ए स्मॉल टाउन नियर अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह सोलर प्लांट लगा हुआ है और इससे बिजली बना करके शहर में दी जाती है। काफ़ी बड़ा सोलर प्लांट है। और अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखो तो आपको एक बैराज दिखाई देगा। ये एक डैम है और यहाँ से भी बिजली का काम चलता है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके पास में ले जाके बिल्कुल इसके दूसरे साइड से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 498A की। सेक्शन 498A में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इनिशियल लेवल पर ही सेक्शन 498A ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 498A ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि कोई बात नहीं, हमारे ऊपर 498A हो जाएगा तो हम उसकी क्वेशिंग में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्वेशिंग भी इतनी आसान नहीं होती, और सेकंड ऑप्शन कहते हैं कि डिस्चार्ज में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सेक्शन 498A चल रहे होंगे और उन्होंने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाया होगा, लेकिन उनमें से शायद ही कोई हो जिसका डिस्चार्ज में किसी एक मेंबर का भी नाम हट गया हो। प्रैक्टिकली जो कोर्ट होती है वो डिस्चार्ज के ऑप्शन पर वर्क नहीं करती, और जनरली जो चार्जशीट में नाम होते हैं, चार्ज भी उन सब लोगों पर और उन्हीं सेक्शंस में फ्रेम कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं पाता, इसलिए हमको हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच में रहकर ही काम करना चाहिए। एक्चुअल में यदि आप 498A को ख़त्म करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, जब आपकी FIR दर्ज होती है तो पुलिस के हैंड पे आप जितने नाम चाहो वो रिमूव करवा लो। जो भी आपको ऐसे लगते हैं कि जिनका कोई रोल नहीं है, पुलिस से बात करो और पुलिस को सारे एविडेंस प्रोड्यूस करो। जितने नाम पुलिस के हैंड पर हट जाएँ वो सारे नाम आप पुलिस के हैंड पर ही हटवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो नाम रह जाए, चार्जशीट के बाद चार्जशीट क्वेश्चन में चले जाए और कोशिश करो उन्हें क्वेश्चन कराने की। और अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो फिर जिनके नाम रह जाए उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, वो ट्रायल को फेस करें। ट्रायल को फेस करने से सबसे मेन बात होती है, आपके ऊपर अगर झूठे एलिगेशंस हैं तो वो साबित नहीं हो पाते और चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं, और उसी के आधार पर फिर आगे आपके पास ऑप्शंस भी बन जाते हैं कि सामने वाले का झूठ यदि साबित हो रहा है तो आप परजुरी में जा सकते हैं, 340 CRPC का यूज कर सकते हैं। और यदि पूरा मामला ही झूठा साबित हो जाता है तो उसके पश्चात आप वाइफ पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कार्रवाई है जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। साथ ही क्रियुलिटी भी साबित हो जाती है कि आपके ऊपर एक गलत केस डाला गया जिसका ट्रायल काफ़ी साल आपने चलाया, तो वो क्रियुलिटी के आधार पर अगर आपने अभी तक डायवोर्स नहीं लिया है तो वो डायवोर्स भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बातें हैं 498A से रिलेटेड, और यदि आप इसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आना तय है। आप जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, और अगर वैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।